दोनों फोरमों की ओर से केएमएम और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के जो आज मोर्चा शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहा है उनका आज 23वां दिन है लगभग। और जो हमने ऐलान कर रखा भी आज अन्य अन्य राज्यों से किसान दिल्ली मार्च शुरू करेंगे, तो हमने 6 से शुरू करने की बात की गई थी। अब दूर दुराडे है, कोई कहे कि आज ही दिल्ली पहुंच जाएंगे, ये संभव नहीं है। तो एक तो ये है चलेंगे, अब सरकार चलने देगी नहीं चलने देगी, कोई पैदल होगा तो उसका तो मालूम नहीं कितने दिन लगेंगे आते आते। रेल को भी अगर जहां से भी आए, रेल से मध्य प्रदेश से आए तो भी आज नहीं पहुंच सकते, बिहार से तो शायद कल भी समस्या, साउथ इंडिया से तो शायद 2-3 दिन लग जाए। ये पिक्चर क्लियर होते तो कह लीजिए 7-8-9-10 तक का समय लगेगा जो हम सोच रहे हैं। अब जो नजदीक के राज्य थे उनसे तो हम आगे बढ़ने वाले नहीं हैं, तो दूरदराज के राज्य हैं, रास्ता पास में है पर उसकी भी दूरी काफी है, वो भी 7-8 से पहले वो भी नहीं पहुंच सकते जो अभी दिख रहा हमें। तो एक तो आज जो है वो मार्च तो शुरू होगा, आज हो, कुछ लोग कर लेंगे, 6 से बोला सा बढ़ेंगे कुछ 7 को कर लेंगे। तो जो अभी अब सरकार का देखिए क्या निर्णय है, सरकार तो एक बार बोल रही है अभी आप ट्रैक्टर ट्रॉली के बगैर आ जाएं, तो अभी जंतर मंतर पे तो एक धारा 144 है और दिल्ली में भी लगभग धारा 144 लगी हुई है। तो इसका मकसद तो केंद्र सरकार स्पष्ट करे इसका मकसद क्या है। दूसरा, आज 23 दिन हो गया और इससे 5 दिन पहले से आपके लिए 28 दिन से पंजाब हरियाणा के बॉर्डर बंद कर रखे हैं, तो जो पंजाब की आर्थिकता का नुकसान हुआ है इसके लिए केंद्र जिम्मेवार है। जो लोगों को व्यापारी हैं, हमारी बहुत सी वेजिटेबल सब्जियां बाहर जानी है, बहुत बाहर से माल बहुत सा अंदर आना है, हर तरह की सप्लाई है, तो जो लोगों को इतनी दिक्कत आ रही है क्या केंद्र सरकार बताएगी देश को तो ये दिक्कत क्यों दी जा रही है। दूसरा, हमने तो अपनी तौर से कोई भी रोड ब्लॉक नहीं कह रखी है। तीसरा, हरियाणा में जो अर्धसैनिक फोर्स लगाए हैं 70,000 अर्धसैनिक फोर्स है, उनके लगाने का क्या कारण है, क्या खतरा है हरियाणा के लोगों से, सरकार को ये स्थिति को भी हरियाणा या केंद्र स्पष्ट करे। अभी भी जो दिल्ली में गाजीपुर है, सिंगू है, टिकरी है, वहां सर्विस रोड अकेले खोले गए, हम तो कहते हैं सारा खोल दीजिए, हम तो बहुत दूर है। और हमने ये भी फैसला कर रखा अभी पंजाब हरियाणा तो आगे बढ़ेगा नहीं, तो जो दिल्ली के लोगों को समस्या आप दे रहे हैं, दिल्ली के व्यापारियों का नुकसान कर रहे हैं, वो नुकसान किस लिए कर रहे हैं, इसका जवाब भी केंद्र को देना चाहिए। तीसरी बात है कि अब जो केंद्र जो बात हमारे सामने आ रही है वो तो अपने लक्षण लड़ने में मगन है, ठीक है। अब केंद्र के रिश्ते अजय मिश्रा टैनी से या मोदी सरकार के भाजपा के क्या, ये भी स्पष्ट हो गए, ठीक है जी। और अशोक सिंगल से किस तरह के रिश्ते थे वो भी स्पष्ट हो गए, और अन्य भी लोग हैं जिन्होंने जीनियस क्राइम कर रखे हैं। अभी आप देखिएगा भी अभी एक टिकट और आएगी जो कुश्ती सर्कल के, ठीक है, अगुवा रहे हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। तो केंद्र तो किसी ना किसी ढंग से इलेक्शन जीतना जा रहा भाजपा, और नैतिकता भूल चुके हैं भी हम टिकट देने समय साफ सुथरे उम्मीदवार को चुनकर आगे लाएं। तो ये पहले दिन से कांग्रेस भी करती रही है भी बाहुबली, धनबली या क्रिमिनल मानसिकता जिनके ऊपर बहुत से केस चलते हैं, हम देखते हैं देश की पार्लियामेंट्स में जब आंकड़े आते हैं तो बहुत से नेताओं के बहुत से केस चल रहे हैं, एक तो राजनीतिक होते हैं, एक होते हैं उन्होंने क्राइम कर रखा। तो इस तरह के नेताओं को अगर आप टिकट दे रहे हैं तो देश के सामने कौन सी बात रखना चाह रहे हैं, ये तो बात स्पष्ट करनी पड़ेगी। तो हमें लगता है जो हम बात कहना चाह रहे हैं भी देश के किसान मजदूर के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं है, तो ये जो हम बोल रहे हैं। और जिस तरह से मीडिया पे ऊपर ये पंजाब का आंदोलन है, ये खालिस्तानियों का आंदोलन है,
ये जो पंजाब की सरकार, उन्होंने आंदोलन चला के रखा है और ये कांग्रेस वाले आंदोलन चला रहे हैं और बहुत से अन्य बोल रहे हैं ये भाजपा ने बैठा रखा है आंदोलन में। अब देखिए ये बातें स्पष्ट कैसे होगी, तो ये क्यों हो रहा है कि लोगों के बीच एक परसेप्शन बना दी जाए, वो आंदोलन के प्रति दुचित्ति में चले जाएं कि क्या सही है क्या सही नहीं है, इस तरह का पूरा जोर लगा हुआ। तो आंदोलन तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अब देखिएगा जब रेल रोको आएगा ये आंदोलन कितना बड़ा है, हम आज नहीं कहते, ये सारी स्थिति को स्पष्ट कर देगा। भाजपा के राज्यों में पूरा हमारे ऊपर जबर होगा और अन्य जगह पर हमारे लोग निकलेंगे और रेलगाड़ी पर बैठेंगे, ठीक है। तो जहां स्थिति जबरदस्ती वाली नहीं होगी, लोग तो हमने तो बोल रखा है आप भाजपा के राज्यों में भी हमारे किसान खेत मजदूर पर जबर मत करिए और देख लीजिए कि देश का किसान साथ दे रहा कि नहीं दे रहा। हाँ देखिए सरकार बड़ी है, अगर आप छापामारी करेंगे जबरदस्ती करेंगे तो हमने तो बोल रखा है भाई टकरा कर हम सरकार से जबरदस्ती कोई भी कार्यक्रम नहीं करेंगे भाई, फिर जैसे जो समर्था होगी उस ढंग से हम लोग कर लेंगे, लेकिन लोग निकलेंगे और देश भर का आंदोलन बनेगा। तो जहां तक अब सवाल है MSP लीगल गारंटी कानून का, उसके ऊपर कोई भी, तो मैं तो बोलता हूं भारत सरकार स्पष्ट करे, वो बनाना भी नहीं बनाना। तो लास्ट मंत्रिमंडल की मीटिंग में क्या ये इसके ऊपर कोई चर्चा हुई, तो मंत्रिमंडल ही तय करता है ना भी क्या देना है। अगर उसमें कोई चर्चा नहीं हुई है तो इसका मतलब हमें ये देने वाले नहीं है, किसान मजदूर का कर्ज खत्म करने वाले नहीं है। इसी के साथ जो हमारे केस समेत पंजाब दिल्ली में डले वो भी वापस लेने की तैयारी नहीं है, लखीमपुर का इंसाफ नहीं देंगे, बिजली बिल 2023 जो बना रखा उसके ऊपर तो बोलते भी नहीं है, उसके ऊपर तो वार्ता भी नहीं हो रही। अब इतनी ओला दृष्टि उत्तर भारत में, अंधेरी झक्खड़, फसलें खराब हुई, तो इनके अब पंजाब प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं आप फसल बीमा योजना की मांग करिए, भाई हम तो कर ही रहे हैं, इसके ऊपर स्थिति स्पष्ट कर दी भी सरकार अपने दम पर लेके आएगी, आप तो कारपोरेट के हिसाब से बना के रखे वो। तो ये बातें यार, नरेगा 200 दिन 700 दिन दिहाड़ी, तो किसी मांग पर के ऊपर केंद्र से कोई बातचीत या केंद्र से कोई जो वो बोल के बताएं कि ये मिलेगा ये नहीं मिलेगा, उनकी क्या WTO से भारत बाहर आए उनके ऊपर भी स्पष्ट कर दें, हमने तो स्पष्ट कर दिया ना कन्वेंशन करके इतना क्या नुकसान। तो केंद्र की मंशा स्पष्ट है, वो हमें ये कहना चाहते हैं कि आप लंबा आंदोलन चलाइए, उनकी ओर से वो तो निपटना नहीं चाहते, ठीक है, वो हमारा दम परखना चाहते भी कितनी देर तक आप आंदोलन लड़ोगे, केंद्र का जो साफ हमें संकेत है भी कितनी देर तक आंदोलन लड़ोगे। हम नहीं चाहते हम सड़कों पर बैठे, या हमारा ये भी अनक का सवाल नहीं भी हम आंदोलन चलाते रहे, लेकिन उनकी ओर से जो अगर हमसे बैठकर ये मांगों का हल नहीं किया जा रहा तो यही संदेश है भी कितनी देर तक बैठोगे। तो हम अपने लोगों से कहना चाहेंगे भी जब तक केंद्र हमसे ये मसलों का हल नहीं करते तब तक हम बैठेंगे। एक दो चीजें थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए क्योंकि आज का दिन इम्पोर्टेंट है आंदोलन के लिहाज से। आपने बताया कि देश भर से किसान जो हैं वो दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, आपने ये भी बताया कि कहीं जगह पर धारा 144 अगर दिल्ली की हम बात करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्योंकि जाहिर है वहां पर पुलिस कहीं ना कहीं जरूर रोकेगी जैसा कि आप भी जानते हैं, तो अगर किसी तरह की स्थितियां जो हैं वो बनती हैं कहीं रोका जाता है तो क्या वहीं पर बैठने को लेकर कोई आंदोलन की आगे की रूपरेखा है या क्या चीजें हैं, ये सब चीजें एक बार क्लियर कर दीजिए। कुछ पैदल भी क्योंकि किसान जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, बसों से जा रहे हैं, हो सकता है बसों में रोका जाए, हो सकता है ट्रेनों में रोका जाए, हो सकता है पैदल भी रोका जाए, ये तमाम चीजें एक बार स्थितियां क्लियर कर दीजिए। देखिए ये तो मोदी सरकार का चेहरा अलग ढंग से नंगा हो जाएगा कि ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, खुद बोलना कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर आप दिल्ली आ जाएं और इस तरह आप धारा 144 या साथ ही कामन पर गिरफ्तार करना ये तो उचित नहीं होगा। मैंने तो बोला आपको भी केंद्र बयान देता कि ठीक है आपने अन्य राज्यों से ये बात तो कर ली भी आपकी ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं आएगी तो भाई यहां पर आके बैठिए आप पीसफुली ढंग से अपना आंदोलन चलाइए, तो अभी तक ये बयान तो आया नहीं। इसकी मंशा है कि सरकार किसी भी कीमत पे देश के किसान खेत मजदूर को राजधानी में घुसने नहीं देगी। तो जो भी हमारे लोग हैं वो जब जो हम वर्तमान दिशा में, आज तो मुझे नहीं लगता कोई पहुंचेगा, ठीक है, तो अगर जो भी किसान संगठन वहां पहुंचेगे जो भी नेता होंगे
तो वो जो स्थिति सामने उत्पन्न होगी उसके हिसाब से अपना फैसला कर लेंगे कि वो स्थिति में है भी धरना लगा सके, वो स्थिति में है भी अब सरकार गिरफ्तार कर रही है गिरफ्तारी दे दें, जो भी वो उनका निर्णय होगा जो भी वहां पहुंचेंगे भी किस तरह से जो स्थिति उस समय उत्पन्न होगी किस तरह से हैंडल करना है। और अभी क्या कोई संकेत भी मिला आपको सरकार की तरफ से बातचीत का? हाँ देखिए, अभी तक सरकारी लिखित कुछ नहीं है, अब पर्दे के पीछे बातें चलती चुलती रहती हैं, कोई सरकारी सरकार का न्योता अभी तक है नहीं है। और दूसरा हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे, जो कल पंजाब सरकार ने विधानसभा में बजट पेश किया, अब जो खेती सेक्टर के लिए बजट था बेशक 1% ही, वो भी घटा दिया। अब भगवंत मान जी दावा पंजाब एग्रीकल्चर स्टेट है तो वहां खेती का बजट बेशक 1% ही घटा है, और जो डिवर्सिफिकेशन करना था उसके ऊपर पिछले 1100 करोड़ था 500 करोड़ कर दिया, तो ये भी बजट घटा है। तो जो भगवंत मान सरकार का दावा था पंजाब को क्राइसिस से निकालेंगे, तो इस बार भी तो उन्होंने कहा भी हम अपना काम चलाने के लिए कर्ज लेंगे, ये बजट में ही प्रावधान है। तो ना तो हम अपना रेवेन्यू अधिक इकट्ठा कर सके, 13% बोला रेवेन्यू इकट्ठा कर, तो क्या 13% से हमारी बात चल जाएगी? तो हमारा तो माली घाटा बहुत ज्यादा है, 3 लाख करोड़ अब जो भगवंत सरकार ने कर्जा ले लिया अधिक हो गया पंजाब के सर, कर्जा बढ़ गया। तो एक तो ये था भी जो बातें करके इलेक्शन में आई थी भगवंत मान सरकार, ये बजट से लगता नहीं भी वो पूरा कर सकेगी जो बजट पेश हुआ। ठीक है, नया कोई टैक्स नहीं लगाया गया तो कुछ किसान मजदूर को दिया भी नहीं गया, तो ये बजट मुझे लगता है कि निराशता वाला बजट है हमारे पंजाब के किसान और खेत मजदूर के लिए। तो हमें लगता है कि जो वादे हुए थे वो वफा भगवंत मान सरकार नहीं कर पाई। आखिरी बस 10 तारीख का एक संक्षिप्त में बता दीजिए कि वो क्या रूपरेखा अभी तैयार हुई है, कहीं कुछ तैयारी हुई होगी देश में कहां कहां ट्रेन रोकने का जो भी अभी तक का हमें? देखिए पंजाब में तो अलग अलग तरह से हम लोग, मैं कल अमृतसर में था वो वहां हमने बड़ी मीटिंग करके अपनी तैयारियां कर लगी है। हरक यूनियन KMM पूरी तरह सरगर्म है, पूरे गांव में पंजाब में लगा हुआ है, SKM नॉन पॉलिटिकल भी लगा हुआ है, सभी देश के संगठन लगे हुए हैं।